नाम हो गया आपका? ललन कुमार। आज जो खगड़िया ईट मदा संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, किस लिए धरना कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? ये धरना एक्चुअली हम लोग के व्यापार पर जो GST का दर है वो लगभग 6 गुना अचानक से बढ़ाया गया है, जो कि इस व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है। इससे इस व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तथा जो कोयला हम लोग जो है पहले 8,000 रुपये का खरीदते थे, आज के डेट में खुले बाज़ार में उसकी कीमत 300% तक की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 24,000 से 25,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसका भी हमारे व्यापार पर पूरा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उसके बाद जो आज के डेट में जो है परिवहन विभाग में कुछ एक चीज़ सरकार जो है गजट लाई है, जिसका कि परिवहन विभाग के पोर्टल पर, जैसे हम लोग का ट्रैक्टर जो है 7.5 टन का पासिंग पे है, लेकिन ये गजट तो हो गया सरकार की तरफ से, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है जिलावार नहीं हो पा रहा है। इसका हम लोग को जो है असर पड़ रहा है। अब आज के डेट में 4 गुना जो है कीमत जो है हर चीज़ का बढ़ चुका है, चाहे वो मजदूरी हो, डीजल हो, हर चीज़ हो। बावजूद आज के डेट में भी सरकारी दर जो है वहीं का वहीं है, जो 6,000 के आसपास है, जो कि इस व्यापार के अनुकूल नहीं है। इस परिस्थिति में इस व्यापार के जितने भट्ठा मालिक हैं, इनको इस माहौल में जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक योजना तो और आपका बंद हो गया है, सरकारी योजना जो भी काम होगा वो सीमेंट का ईटा जो बनेगा उसमें होगा जी, इस पर क्या आप बोल रहे हैं? जी, ये भी हमारी मांगों में एक मांग ये भी है, जो भी सरकार के का निर्माण हो रहा है, चूँकि हम लोग का राज्य पिछड़ा हुआ, क्या मांग? और जैसे हमारा है, किसी कारणवश अगर हमारे किसी व्यवसायी बंधु का, किसी भट्ठा मालिक का जो है टैक्सेशन माइनिंग या इससे रिलेटेड कोई चीज़ पेंडिंग रह रहा है, तो उसको एक आसान माहौल दे के जो है इस चीज़ को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने का अनुमति दिया जाए, जिससे कि हमारा जो भी हमारा भट्ठा व्यापारी मित्र है, जो भी हमारे भट्ठे व्यवसाय से जुड़े हुए आदमी हैं, वो सुगमतापूर्वक अपना व्यापार को आगे संचालन कर सके। चूँकि यह एक केवल भट्ठा मालिक के व्यापार की बात नहीं है, इनके साथ प्रत्येक भट्ठा में 100-200 मजदूर, प्रत्येक भट्ठा में जो जैसे भट्ठेदार हैं उनके साथ उनका भरण पोषण होता है। तो आज के डेट में खगड़िया में लगभग 70 से 75 भट्ठा का व्यापार चल रहा है। अब इसमें गणना किया जाए जिस अनुकूल से कितना आदमी इसमें से बेरोजगार हो रहा है, तो इसका एक असर जो है मजदूर वर्ग पर भी पड़ेगा। तो इस चीज़ का हम लोग जो है इसी चीज़ के संदर्भ में, इसी चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए हमने आज ये धरना प्रदर्शन। कहाँ से आप भट्टा मालिक सब आए हुए? हमारे जिला के सभी ओर से, हर जगह से, पर्वत्ता, चौथम, बेलदौर, खगड़िया का जितना ब्लॉक के अंतर्गत है, अलौली ब्लॉक के अंतर्गत जितने हमारे भट्टा व्यवसायी हैं, सभी जगह से हमारे भट्टा व्यवसायी आए हुए हैं। अगर सरकार मांग नहीं पूरी की तब क्या कीजिएगा आप? तो फिर हम लोग चरणबद्ध तरीका से आगे के आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा जिला में कमेटी है, उसी तरह से हमारा राज्य में कमेटी है, और उसी तरह से हमारा देश भर में कमेटी है। तो चरणबद्ध तरीका से हम लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है, चूँकि हम लोग व्यवसायी बंधु हैं, तो हम लोग व्यापार के इल्म को समाज के हर स्तर को, चूँकि नीचे से लेकर ऊपर के स्तर को हम लोग समझ के, इसमें जो अनुकूल बातें होगी, जो हमारे ऊपर के जो है प्रतिनिधि होंगे, जो हमारे ऊपर के जो मार्गदर्शक होंगे, उनको इस मामला से अवगत कराएंगे और आगे की रणनीति हम लोग जो है तय करेंगे, जो फिर हमको आगे कैसे बात को रखना है। क्या नाम हो गया आपका? ललन कुमार, खगड़िया ब्रिक इंडस्ट्रीज से हम हैं। क्या हैं आप? हम उसके पार्टनर हैं।